वेलकम टू प्लेटॉनिक आज हम देखेंगे इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप देखिए मेंस का जब भी पीएसआईआर ऑप्शनल की हम बात करते हैं तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप एक एवरग्रीन टॉपिक है आपने बहुत बार देखा होगा मेंस में यूपीएससी को इस इशू पर क्वेश्चन पूछते हुए अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आज हम इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे सो कमिंग टू इंडिया यूएस रिलेशनशिप रिलेशनशिप आप इसमें देख सकते हैं कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो कहते हैं कि इंडिया और यूएस नेचुरल अलाइज हैं। यह आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ओबामा ने इस रिलेशनशिप को मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप का नाम दिया हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी कहते हैं कि आ, इंडिया एंड यूएस हैव ओवरकम दी हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री अब इसका क्या मतलब है देखिए हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री है कि जो आ, हमारा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन रहा है इंडिया यूएस रिलेशनशिप का उसमें पहले हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं थे इंडिया को कहीं ना कहीं प्रो-सोवियत माना जाता था तो उन हेजिटेशंस को ओवर कर ओवरकम होकर अभी हम बहुत ही अच्छे संबंधों के दौर से गुजर रहे हैं बाइडेन जो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप अमंग द क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स है इस अर्थ पर फिर एक ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हर कंट्री के साथ कुछ कीवर्ड्स एसोसिएटेड होते हैं तो डेनिस कक्स कहते थे कि इंडिया एंड यू एस आर स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज इट इज़ अ कंसेंसस बोथ ऑफ दीज आर डेमोक्रेसीज यू एस अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है और इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है राइट right? तो ये जो डेमोक्रेसीज हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हैव बीन स्ट्रेंज्ड राइट right. और डेविड मेलन कहते हैं कि अब ये इंगेज डेमोक्रेसीज बन चुकी हैं तो इंडिया एंड यूएस हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंगेज डेमोक्रेसीज राइट सो दिस इज हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं देखिए अगर आपको बहुत डेप्थ में इस टॉपिक को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं हम पूरा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इसका ट्रेस करेंगे इंडिया यूएस रिलेशनशिप का या किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप का कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिस पर हम वीडियो बनाएं आप कमेंट सेक्शन में उसे मैंशन कर सकते हैं यहाँ पर हम बहुत ही आ, एक आ, त, तरीके से इनकी हिस्ट्री को देखेंगे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन थोड़ा सा हम तेजी से इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यूजुअली हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पे नहीं आ रहे हैं जिन एरियाज पे क्वेश्चन बनते हैं मेंस में हम उन्हें ज़्यादा टाइम लगाकर डिस्कस करेंगे तो आ, इंडिया जब कोल्ड वॉर का टाइम था और पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था ठीक है देर वर टू ब्लॉक्स इन दर्ल्ड तो इंडिया डिन नॉट गो फॉर एनी ब्लॉक चाहे वो यूएस लेड ब्लॉक हो चाहे वो यूएसएसआर लेड ब्लॉक हो इंडिया डे नॉट ज्वाइन दैम इंडिया केम आउट विद इट्स नैम ठीक है नॉन अलाइंट मूवमेंट, राइट नाउ तो ऑलवेज देर वॉज अ एंटी अमेरिकन रिटोरिक वी वर सीन प्रो सोवियत नेशन ग्रीन रेवोल्यूशन में अमेरिका ने जरूर इंडिया की हेल्प करी पर कश्मीर इशू को अगर आप देखेंगे नाइनटीन वॉर को देखेंगे तो इस दौरान यूएस ने इंडिया का साथ नहीं दिया जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और हमारे यहाँ एल पी जी रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन आई ग्लोबलाइजेशन की वेव्स बढ़ी तो इंडिया वॉज फोर्स्ड कि अब हम डाइवर्सिफाई uh, करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी को नाउ वी स्टार्टेड लुकिंग टूवर्ड्स यू एस ए वी स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स वेस्ट जो सिविल न्यूक्लियर डील है दैट वॉज अ हाई पॉइंट इन इंडिया यू एस रिलेशनशिप तो इस तरीके की कुछ हमारी हिस्ट्री रही है कन्वर्जेंसेज देखते हैं कि इंडिया और यू एस के रिलेशनशिप में क्या कन्वर्जेंसेज हैं देखिए इंडिया यूएस का एक ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनर है राइट सो वी हैव दिस स्पेशल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विद यूएसए राइट और सबसे बड़ी चीज़ जो इंडिया और यूएस को बाइंड करती है वो है शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज बोथ ऑफ दीज आर डेमोक्रेसीज राइट तो और uh, दूसरी तरफ एक वर्ड यूज कर जो वेस्ट है वो एक वर्ड यूज करता है नेक्सस ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजिम्स नेक्सिस ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजिम्स ये वर्ड यूज होता है चाइना और रशिया के लिए ऑथोरिटेरियन रिजिम्स तो उस तरीके से ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम तो डेमोक्रेसीज हैं और जो चाइना रशिया का नेक्सेस है दैट इज अथॉरिटेरियन दे आर ऑथोरिटेरियन रिजिम्स तो इस वर्ड को आप एक बहुत ही बैलेंस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फिर इंडिया uh, और यूएस का इंटरेस्ट है शेयर्ड इंटरेस्ट है ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करने पे, स्टेबिलिटी इंश्योर करने पे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो ट्रेड के थ्रू आ रही है इन्वेस्टमेंट कनेक्टिविटी सस्टेनेबल ग्रोथ इन सब चीजों पर जोर है तो आप देखेंगे कि जहाँ चाइना का बी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसके अगेंस्ट देर इज दिस ब्लू डॉट नेटवर्क देर इज बिल्ड बैक बेटर ठीक है एंड एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है देन क्वेड इज देयर राइट नाउ इंडो पैसिफिक एज अ रीजन ऑफ पीस स्टेबिलिटी एंड ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी दोनों ही नेशंस इंडो पैसिफिक अभी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि जो थिएटर है जियो पॉलिटिक्स का इट हैज़ शिफ्टेड कहाँ से कहाँ एटलांटिक में था ये थिएटर जियो पॉलिटिक्स का नाउ इट हैज शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक और यूएस और इंडिया का एक शेयर्ड विजन है कि इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहाँ शांति और स्टेबिलिटी रहे ठीक है इंडिया का इस पर सागर डॉक्ट्रिन भी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर और फिर है जो दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन है वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है बहुत मल्टी है एक थिंकर है उनकी ये स्टेटमेंट भी है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को सिर्फ आप इस तरीके से ना समझें कि ये एंटी चाइना है ठीक कि इट इज़ बिकॉज बोथ ऑफ दीज कंट्रीज आर एंटी चाइना या चाइना को कंटेन करना चाह रहे हैं सिर्फ यही एक बेसिस है इंडिया और यूएस की दोस्ती का ऐसा नहीं है बहुत ब्रॉड बेस्ड और मल्टी सेक्टोरल रिलेशनशिप है यहाँ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अब आ, आप देखेंगे तो यूएस इज द कंट्री जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे एजुकेशन में साइंस टेक्नोलॉजी पे एआई में हम आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस को लेकर साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पर साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी हाई टेक्नोलॉजी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया एन और सी का पार्ट भी नहीं था जब यूएस ने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी तो दैट वाज अ हाई पॉइंट स्पेस टेक्नोलॉजी में हम शेयर करते हैं नासा और इसरो का आपने निसार सुना होगा राइट right? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सो इस तरीके से इन दैट इज वाई आई एम सेग कि ये जो रिलेशनशिप है ये जो कूपरेशन है ये ब्रॉड बेस्ड है क्लीन एनर्जी इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हेल्थ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत बड़ा डायस्पोरा है हमारा यूएस में और एक आ, वेल्दी डायस्पोरा उसे हम मानते हैं जो यूएस में इंडियंस बसे हुए हैं वो डायस्पोरा डिप्लोमेसी में भी हेल्प करते हैं जो सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई उसमें देर वॉज अ बिग रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा विच इज लिविंग इन यू ठीक है सो दैट एंड हाउ डी मोदी जो ऑर्गेनाइज़ किया गया तो आप देख सकते हैं कि डायस्पोरा इज़ प्लेइंग अ बिग रोल तो ये सब कन्वर्जेंसेज है इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में अब uh, देखिए बहुत टाइम तक ये बोला गया कि इंडिया अपने डिफेंस इंपोर्ट्स के लिए रशिया पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और ऐसा है भी दिस इज़ ट्रू ठीक है बट एज ऑफ नाउ इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस इंपोर्ट्स तो हम वी आर हैविंग दिस डिफेंस कॉपरेशन विद यूएस ऑल्सो ग्लोब मास्टर है चिनूक है अपाचे है सो ऑल ऑफ दिस आर स्ट्रेंदनिंग इंडिया यू एस रिलेशनशिप डिफेंस सेक्टर में इसके अलावा हम एक्सरसाइजेज डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं युद्ध अभ्यास होता है और भी एक्सरसाइजेज़ हैं मिलिट्री नेवी जो यूएस के साथ हम करते हैं बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं रहा है अब सिर्फ अब जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ चुके हैं एंड देर इज़ दिस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अब देखिए जब भी डिफेंस रिलेशनशिप की बात होगी तो एक तो होता है कि नॉमिनल बायर सेलर का रिलेशनशिप है एक उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है जॉइंट प्रोडक्शन कि दो लोग दो देश मिलकर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके आगे होता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर ताकि हम वो चीज़ खुद से भी बना सकें तो ये वी आर इवोल्विंग आर रिलेशनशिप विद यूएस इज इवोल्विंग फ्रॉम बायर सेलर टू जॉइंट प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डी टी टी आई इज इम्पोर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया को यूएस ने एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर एलिवेट किया और एस टी ए वन स्टेटस दे रखा है इसके अलावा जो चारों फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं ओमकासा लेमोवा बिका बिका एंड जी सोमिया तो ऑल ऑफ दीज वी हैव साइंड ठीक है इंडिया साइंड ऑल दी फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स फोर फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स वी आर शोइंग कि किस तरह दोनों देशों के बीच में कन्वर्जेंस हैं रेगुलर मिलिट्री नेवी आर्मी एक्सरसाइज होती हैं काउंटर टेररिज्म पे बहुत ज्यादा कोपरेशन है और इंडिया यूएसए इज वन कंट्री जो पूरे uh, तरीके से सपोर्ट कर रहा है इंडिया की एन में जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है उसकी मेंबरशिप के लिए एज वेल एज यू एस यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो इंडिया का ये जो क्लेम है कि हमें यू में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए यूएस ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया हुआ है चाइना को कंटेन करना भी इंडिया और यूएस का एम है क्वैड को वैसे तो एंटी चाइना पोस्टरिंग देखा जाता है कि ये चाइना के विरुद्ध चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक कोलैबोरेशन है एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है बट अगर आ, आप इसको देखें तो एक फ्री ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसेफिक बनाने का भी आइडिया है कि जो इंडो पैसेफिक रीजन हो वहां पर किसी की मोनोपली ना हो आ, कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट ना हो जाए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर रहे फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसेफिक बना रहे राइट सो दीज दी कन्वर्जेंसीज अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ खटास लेकर आती हैं देखिए सबसे बढ़िया तो है रशिया वाला एलिमेंट अब आ, पहले जब कोल्ड वॉर के टाइम यूएस US और यूएसएसआर दो ब्लॉक्स थे उसके बाद यूएसएसआर के डिस इंटीग्रेशन के बाद बना रशिया अभी रशिया और यूएस हैव ऑलवेज बीन इन कैंप्स ठीक है और आप देखेंगे तो हम रशिया को अपना आ, सबसे अच्छा फ्रेंड बताते हैं ठीक है एवर लास्टिंग फ्रेंडशिप है हमारी रशिया के साथ तो जो इंडिया की क्लोजनेस है रशिया के साथ हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एनर्जी इम्पोर्ट्स वहाँ से करते हैं इसके अलावा अभी जब यू में रेजोल्यूशंस आए रशिया के अगेंस्ट तो इंडिया एब्सटेंड इंडिया ने उन पर साइन नहीं किया तो ये जो रशिया वाला एलिमेंट है ये बार बार यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में बीच बीच में कहीं ना कहीं इरिटेशन क्रिएट करता है बट इंडिया इन सब से ऊपर उठकर स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी को फॉलो करता है यानी कि हमें जिस हिसाब से हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है हम एक रियलिस्ट रियलिज्म की तरफ बढ़ते हुए जैसा भी हमारा नेशनल इंटरेस्ट उसको जो सूट करता है उस हिसाब से हम अपने रिलेशनशिप्स बनाते हैं और कोई और कंट्री हमारे किसी और कंट्री के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता है उसके बाद है पर्सपेक्टिव अबाउट क्वेड अब क्वेड का जो विजन है यूएस तो उसको प्योर मतलब चाहता है कि उसमें मिलिट्री एलिमेंट आए और क्वेड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर उठे बट आप ये देखें कि क्वेड में इंडिया ही अकेला ऐसा कंट्री है जो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर कर रहा है चाइना के साथ ठीक है इंडो पैसिफिक इंडिया को ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है जो इंडियन ओशन है इंडिया नहीं चाहता है कि इंडियन ओशन एक थिएटर ऑफ वॉरफेयर बन जाए तो ये देखिए कीवर्ड्स होते हैं आपको आंसर्स में इनका यूज करना है थिएटर ऑफ वॉरफेयर नहीं बनाना चाहते हैं हम इंडियन ओशन ठीक है तो अब इंडिया की कोशिश है कि क्वैड को एंटी चाइना पोस्चरिंग के तरीके से ना देखा जाए या फिर क्वैड का क्वैड को भी इंक्लूसिव बनाया जाए जो आशियान नेशंस हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए राइट right, आशियान को सेंट्रलिटी देता है इंडिया अपने क्वैड विजन में तो हालांकि दोनों कंट्रीज क्वैड का पार्ट है बट जो उनके विजन है वो सेम नहीं है उसके बाद है नॉर्थ साउथ डिबेट तो यूएस ग्लोबल नॉर्थ में डेवलप्ड नेशंस में आता है और इंडिया ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है जब भी इन्वायरमेंट का चाहे कोप ट्वेंटी हो कोप ट्वेंटी हो कोप ट्वेंटी जो ग्लास्को में हुई ट्वेंटी जो वॉरसो में सॉरी uh, शर्म अल शेख में हुई इजिप्ट में हुई सो so, uh, देखिए डेवलप्ड वर्ल्ड ने क्या ज़ोर दिया कि फेज़ आउट करो आप तो हमने बोला नहीं फेज़ आउट नहीं करेंगे हम फेज़ डाउन कर देंगे ठीक है कोल को लेकर कोल के यूज़ के लिए तो इस तरीके से और फिर एक क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है जो डेवलपिंग वर्ल्ड है इंडिया जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है इंडिया तो हम बोलते हैं कि जो वेस्ट है उसको ज़्यादा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वी हैव कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है क्लाइमेट के प्रति उन्हें फंडिंग देनी चाहिए टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करना चाहिए इन चीज़ों में यूएस रिलेक्टेंट तो ये जो डिबेट है इसमें दोनों ओपोजिंग कैंप्स में नज़र आते हैं डब्ल्यू में भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के इश्यूज हैं उसमें इंडिया यूएस आपको कैंप्स में देखने को मिलेंगे फिर चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इशू हो ह्यूमन राइट्स का इशू हो इसमें भी इंडिया यूएस यूएस ने बहुत बार इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स वोलेशन का आरोप लगाया है ठीक है बोला है कि आपकी जो प्रेस है वो फ्री नहीं है राइट और जो इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था जीएसपी के तहत उसको भी रिवोक कर दिया गया है यूएस के द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बहुत ज्यादा नहीं है एक बढ़ती हुई प्रोटेक्शनिज्म है प्रोटेक्शनिज्म की वेव है ऑल ओवर दी वर्ल्ड ठीक है इनवर्ड लुकिंग हो रहा है यूएस अमेरिका फर्स्ट की बात करता है तो एच वन बी जो वीज़ा है वो वाला इशू भी दोनों के बीच में एक इरिटेंट बनता है उसके बाद जब यूएस यूनिलेटरली विड्रॉ कर गया अफगान अफगानिस्तान से और इंडिया का उसमें इंडिया को एज अ स्टेक होल्डर नहीं इन्वॉल्व किया गया तो उस चीज़ का भी इंडिया को दैट एक्ट्स एज अ इरिटेशन बिकॉज अफगानिस्तान में जो भी होगा इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन सिक्योरिटी राइट सो इस तरीके से बिकॉज अमेरिका वॉज प्रेजेंट देयर तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में वो कहीं ना कहीं सेफ़ और सिक्योर थी अमेरिका के यूनिलेटरल विड्रॉल से या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉट सो ऑनरेबल विड्रॉल ठीक है कोई बहुत ऑनरेबल विड्रॉल नहीं हुआ अमेरिका का तो इस तरीके से इंडिया को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है मूविंग अहेड अब सवाल आता है कि इंडिया का इंडिया क्यों मैटर करता है यूएस के लिए इतना तो देखिए इंडिया की जो जोग्राफिक लोकेशन आप कभी भी आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे कि दो देशों के जो आपस के रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर जोग्राफी नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करती है तो जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है इट इज बिटवीन द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए यानी इंडो पैसिफिक और यूरेशिया के बीच में इंडिया लोकेटेड है इंडियन ओशन है वहाँ एक ग्लोबल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए वो इंपॉर्टेंट है इंडिया की जो नेशनल कैपेबिलिटीज हैं वो ग्रो कर रही हैं हम बहुत ज्यादा अब देखिए जब भी हम मिलिट्री पे आर्म फोर्सेस पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो डिफेंस इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे और उसके लिए अमेरिका इज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि हमारे यहाँ से ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो टू इंडिया राइट right. जो अमेरिका uh, और इंडिया का शेयर uh, विजन है कि डिसआर्मामेंट uh, होनी चाहिए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को उनकी स्प्रेड को रोका जा सके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जा सके इंडिया की जो पोजीशन है रेडिकलिज्म इंडिया एक लिबरल कंट्री की तरह उभर रहा है ठीक है तो वी डू नॉट स्टैंड फॉर रेडिकलिज्म जिनोफोबिया टेररिज्म इन सब चीजों के हम अगेंस्ट हैं तो जितना हम अगेंस्ट हैं उतना ही भी इन चीजों के अगेंस्ट है तो यहां पे भी एक शेयर्ड आइडिया आपको देखने को मिलेगा फिर इंडिया में जो आप डेमोग्राफी देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न ओरिएंटेड इलीट एंड मिडिल क्लासेस देयर तो इंडियन डायस्पोरा प्लेज अ बिग रोल इन यूएस की इकोनमी राइट देन इंडिया इज़ अ वास्ट एंड ग्रोइंग मार्केट तो ये तो हमेशा जो भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं दे आर ऑलवेज आइंड दे ऑलवेज वॉन्ट कि उनके रिश्ते किसी वास्ट और ग्रोइंग मार्केट के साथ बढ़ें तो इंडिया इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूएस इंडिया मॉडर्नाइज हो रहा है मॉडर्नाइज हो रहा है इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ट्रेड बढ़ रहा है तो अब इन सब चीज़ों में यूएस कैन प्ले अ रोल ठीक है यूएस इन्वेस्ट भी करता है इंडिया में पूरे दुनिया में देखेंगे तो इंडिया की एक बहुत ही अच्छी गुडविल है ठीक है तो दैट गुडविल आप किसी भी ऐसी कंट्री के साथ अलाइन करेंगे जिसकी अच्छी गुडविल है तो दैट इज़ इन योर फेवर तो ये भी यूएस के फेवर में है फिर इंडिया एक डेमोक्रेसी है विच इज़ अनदर थिंग दैट बाइंड्स दिस टू कंट्रीज यूएस के यूएस क्यों मैटर करता है इंडिया के लिए देखिए एशिया में चाइना इज इमर्जिंग तो यूएस का यहाँ प्रेजेंट होना एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है इट इज़ अ क्रिटिकल स्टेबलाइजिंग फोर्स तो ये एक की है जिसका आप जरूर से इस्तेमाल करें अपने मेन्स में क्रिटिकल स्टेबलाइजिंग फोर्स है अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंडिया कैन कोऑर्डिनेट विद यूएसए राइट इंडिया के इकोनॉमिक सक्सेस के लिए यूएसए एस है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे एफडीआई आती है यूएसए यूएस से के साथ हमारा ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं टॉप सोर्स ऑफ एफडीआई है कमिट फिर यूएस इज़ हैविंग दिस कमिटमेंट कि वो सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करेगा इन हाई सीज जिसको कौन थ्रेटन कर रहा है चाइना थ्रेटन कर रहा है तो यूएस की ये जो कमिटमेंट है ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्यों क्योंकि इंडिया नेट एनर्जी इंपोर्टर है हम एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो अगर ये सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन पे कोई भी खतरा होता है या चाइना की मोनोपली होती है तो इसमें इंडिया को घाटा है अब इस चीज से निपटने के लिए हमें यूएस का साथ चाहिए एक मेजर इकॉनमी भी है यूएस Uh, उसकी अनपैरल्ड पावर है वो पी फाइव का मेंबर है ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में उसका बहुत बड़ा से है और जब हम, जब इंडिया यू में अपना रोल चाह रहा है तो यू की सपोर्ट भी वहाँ पर क्रिटिकल हो जाती है यू को टेक्नोलॉजिकल एज है तो टेक्नोलॉजी मिलिट्री इकोनमी ग्लोबल पावर इन सब एरियाज़ uh, में यू एस ए हैविंग अ ऑफ डोमिनंस राइट इंडिया वुड ऑलवेज वॉन्ट टू अलाई सच अ कंट्री करंट सिचुएशन अगर आप देखें तो यूएस है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भी दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडिया और यूएस 4.4 मिलियन की स्ट्रोंग इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है डायस्पोरा डिप्लोमेसी हो रही है दोनों कंट्रीज क्वेड का हिस्सा हैं जे ए आई का हिस्सा है जापान अमेरिका इंडिया ट्राइलेट्रव इसका हिस्सा है आई टू यू टू का हिस्सा है ठीक है तो दिस ऑल्सो यू शुड मैंशन दोनों क्वैड का भी हिस्सा है जी सेवन का भी हिस्सा है जी ट्वेंटी का भी पार्ट है जी सेवन का हिस्सा इंडिया नहीं है बट देन इंडिया इज ऑफन उनकी जो मीटिंग्स होती हैं जी सेवन में उसमें इंडिया का जिक्र भी है और इंडिया को इम्पोर्टेंस दी जाती है ठीक है युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएस के साथ सो दिस इज़ द करेंट सिचुएशन इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को हमने बहुत ही डेप्थ के साथ देखा और उस तरीके से देखा जैसे हम मेंस में आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल इवोल्यूशन बता सकते हैं फिर बता सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में कन्वर्जेंसेस क्या हैं डाइवर्जेंसेस क्या हैं वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए किस तरीके से दोनों देशों को आगे बढ़ना चाहिए तो जैसे एम्बेसडर श्याम शरण कहते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप सिर्फ चाइना के बारे में नहीं है इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बींग अगेंस्ट चाइना ठीक है इसमें बहुत सारे ब्रॉड बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है तो जैसे पीएम मोदी ने कहा है कि वी हैव ओवरकम दी हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री ठीक है और कंक्लूड करते हुए आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है जो कोऑपरेशन है वो इतना बड़ा है इतना मेच्योर है कि ये रिलेशनशिप किसी भी डाइवर्जेंस को एकमोडेट कर सकते जो इतने सारे हमने डाइवर्जेंसेस की बात करी उनको एक्मोडेट किया जा सकता है जो कन्वर्जेंसेस हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है तो इस तरीके से हमने इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को पढ़ा और आप लिख सकते हैं कि दोनों डेमोक्रेसीज को आगे बढ़ते रहना चाहिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि देयर इज रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर राइट सो विथ दिस आई वुड कंक्लूड दिस सेशन आप किसी और कंट्री पे ऐसा ही सेशन चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए दिस वुड एनकरेज एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मेंस थैंक यू